और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो हम प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं वो एक हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और इसको हम बोलते हैं वीट ग्रास या फिर गेहूं की घास भी हम इसको बोल सकते हैं। हमारे देश में आज पॉल्यूशन एक बहुत ही जानलेवा स्तर तक बढ़ गया है और जिसकी वजह से ऐसे में रहना, हेल्दी रहना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अगर इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारा जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में इंप्योरिटीज़ बढ़ती जाती हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जा रहा है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई अगर हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करें तो, और हेल्दी रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। तो ऐसे में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने ब्लड को प्यूरीफाई करने और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव और कंसिस्टेंट कदम उठाएं, जिससे कि हम वापस से हेल्दी हो पाएं। तो इसके लिए वीट ग्रास से अच्छा और परफेक्ट सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये वीट ग्रास होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीट ग्रास बेसिकली दो तरह से मिलता है, अवेलेबल होता है। एक तो जूस के फॉर्म में, जो फ्रेश वीट ग्रास होती है उससे जूस निकाल के आप ले सकते हैं, और दूसरा पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। और अगर इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो इसके फ़ायदों की तो कोई लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो हर तरह का आयन, कैल्शियम, मिनरल, वाइटामिन, अमीनो एसिड्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ों का सबसे बेस्ट रिसोर्स जो होता है वो वीट ग्रास होता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मदद से हम वो सारी हमारी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, हेल्थ, अच्छी हेल्थ बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट इस एक प्रोडक्ट से पूरी होती हैं। इसके जैसा अल्टरनेट अगर हम देखें तो दूसरा कोई भी प्रोडक्ट इसके नियर भी नहीं आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है। एंड अगर ये प्रोडक्ट अगर किसी फ्लेवर में आता है तो हमें डेली कंज्यूम करना और भी आसान हो जाता है। अगर साधारण शब्दों में बात करें तो वीट ग्रास में गाजर से ज़्यादा विटामिन ए और ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर हम वीट ग्रास का कंजम्पशन शुरू करें, उसको हम यूज़ करना शुरू करें तो। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो बॉडी जिन 118 तत्वों से मिलकर बनी होती है उसमें से जो 96 एलिमेंट्स होते हैं वो वीट ग्रास के अंदर पाए जाते हैं। इसके जैसा दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें इतने ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिससे हमारा बॉडी मिलकर बना होता है। तो हमारे बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हेल्थ की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी एकमात्र इस प्रोडक्ट से पूरी हो सकती है। इसीलिए ये प्रोडक्ट ग्लोबली इतना रिकग्नाइज है और इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है हेल्थ को लेकर के। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि एक ये प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करना शुरू करते हैं, वीट ग्रास का कंजम्पशन हम शुरू करते हैं डेली रूटीन में, तो अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और हम डे बाय डे और हेल्दी हो सकते हैं। और अगर हम किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, किसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं, चाहे वो क्रिटिकल बीमारी हो कोई या फिर कोई छोटी मोटी बीमारी हो, तो हम उसको अच्छी तरीके से फाइट भी कर सकते हैं और पूरी तरह से जड़ से उसको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये हो जाता है। आजकल दिन पर दिन प्रीमेच्योर एजिंग का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों की उम्र कुछ होती है वो उससे ज़्यादा उम्र के दिखते हैं, वो इसीलिए कि इतना स्ट्रेस हो गया है, काम में हम इतने उलझे हुए हैं, हम अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालते हैं, टाइम नहीं देते हैं। तो प्रीमेच्योर एजिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कई तरह की बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं कम एज में। ये दोनों प्रॉब्लम्स में वीट ग्रास बहुत ही इफेक्टिव होता है अगर हम इसको सही तरीके से लें और टाइम पर हम इसको जैसे प्रिस्क्रिप्शन होता है जिस तरीके से लेना है इसको वैसे अगर हम लें तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और प्रीमेच्योर एजिंग को ये काफ़ी हद तक रोकता है, कंट्रोल करता है, और किसी भी तरह की डिजीज़ से अगर हम लड़ रहे हैं तो उसको भी रिवर्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें जो पाए जाते हैं फाइटोकेमिकल्स वो प्रीमेच्योर एजिंग कंट्रोल करते हैं और किसी भी तरह की डिजीज़ अगर आपको है तो उसको भी रिवर्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वीट ग्रास को ग्रीन ब्लड बिल्डर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 70% क्लोरोफिल होता है जो कि हमारे खून को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारे ब्लड में RBC और WBC का निर्माण करता है, जिससे कि खून की कमी से होने वाली कोई भी बीमारियां जो होती हैं उससे लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। वीट ग्रास के डेली यूज से इंस्टेंट एनर्जी आती है और फटीगनेस और थकान को दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करने में वीट ग्रास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए, बॉडी से हैवी मेटल्स को बाहर निकालने के लिए, आई साइट को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, और ब्रेन को भी हेल्दी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है जिससे कि हमारा ब्रेन और हेल्दी होता है। वीट ग्रास पाउडर हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को भी रेगुलेट करता है और बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करता है। साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि इनडाइजेशन से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम है, अपच है या लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करता है और आंतों को भी डिटॉक्सिफाई करता है।
वीट ग्रास का जूस या पाउडर किसी भी तरह के कैंसर से लड़ने में भी सक्षम होता है। इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि किसी भी तरह के पुराने से पुराने कैंसर से भी लड़ने में बहुत ही कारगर होती हैं और हमारे बॉडी को अंदर से हेल्दी बनाती हैं, जिससे कि हमें कैंसर की होने वाली संभावनाओं से भी दूर रखती है। आजकल प्रीमेच्योर एजिंग तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि जिस तरह का हमारा शेड्यूल है तो प्रीमेच्योर एजिंग का प्रॉब्लम सबके साथ होता है। साथ ही साथ स्किन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, सोरेसिस है, पिंपल्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स में भी वीट ग्रास पाउडर या जूस के सेवन से काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है और इनको दूर भगाने में काफ़ी मदद मिलती है। वीट ग्रास का पाउडर या जूस के सेवन करने से किसी भी तरह के हार्ट के प्रॉब्लम से भी हमको आराम मिलता है। अगर हम किसी हार्ट की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है उसको दूर भगाने के लिए। हाई बीपी को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि 40-50% जो स्ट्रोक्स के चांसेस होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। वीट ग्रास का जूस या पाउडर इंसुलिन सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है बॉडी में और बॉडी के ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है, जिससे कि किसी भी तरह की डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें आराम दिलाता है और उसको दूर भगाने में भी मदद करता है। दिन में 2 बार वीट ग्रास का पाउडर का सेवन करने से अगर 2-3 आउंस हम लेते हैं तो 10 दिन के अंदर ही 3-6 किलो तक वेट रिड्यूस करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ एल्डर्स में और आजकल यंग लोगों में भी बोन डेंसिटी कम होने का प्रॉब्लम तो आम है, जिससे कि हमारे हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और इसी तरह की बोन से होने वाली, कैल्शियम की कमी से होने वाली कई बीमारियों में बहुत ही लाभदायक होता है। वीट ग्रास के पाउडर का सेवन करने से बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया बोन्स में, इन सब में बहुत ही आराम मिलता है और इनको दूर भगाने में भी मदद मिलती है। वीट ग्रास का पाउडर या जूस का सेवन करने से सांस से संबंधित किसी भी तरह की जो डिजीजेस होती हैं उसमें बहुत ही आराम मिलता है, चाहे वो अस्थमा हो गया या कफ एंड कोल्ड हो गया, इन सब में बहुत ही आराम मिलता है वीट ग्रास का पाउडर का सेवन करने से। साथ ही साथ माउथ से रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पायरिया हो गया, हेल्दी गम्स ना होना, स्मेल आना मुँह से, इन सब में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर हम डेली इसका सेवन करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लमों को जड़ से उखाड़ देता है। वीट ग्रास का जूस या पाउडर हमारे बॉडी को अच्छी तरह से, पूरी तरह से क्लीन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये हैवी मेटल्स को भी हमारे बॉडी से फ्लश आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो कि और किसी दवाओं से पॉसिबल ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि वीट ग्रास हमारी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने के लिए कितना ज़रूरी प्रोडक्ट है। अब जानते हैं कि वीट ग्रास को पीने का सही तरीका क्या होता है और किस तरीके से हम इसको लें तो हमें जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे मिले। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा खाली पेट हमको वीट ग्रास का पाउडर लेना है। ये जो पैक आता है वीट ग्रास का, ये टोटल इसका जो कैपेसिटी है वो 100 ग्राम्स का होता है, जो कि पूरे 1 महीने के लिए सफिशिएंट है। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है तो वो 1 महीने में इसको फिनिश कर सकता है। और अगर हम किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो हम दिन में 2 बार लेंगे तो और अच्छा होगा, हम उस बीमारी से अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे, उसको दूर भी भगा पाएंगे। अगर टाइम की हम बात करें तो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले आप वीट ग्रास पाउडर को ले सकते हैं, और अगर आप दोपहर में ले रहे हैं लंच के पहले, आपको कम से कम 2 घंटे का गैप रखना है, और 2 घंटे पहले लंच के आप ले लें इसको, तो आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अब मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें स्पून दिया जाता है, अंदर एक स्पून दिया जाता है बॉक्स में, वो स्पून का मेजरमेंट लेके हमको लेना है, जो कि 3-3.5 ग्राम की कैपेसिटी होती है। तो वो 1 स्पून फिल करके हमने मॉर्निंग में ले लेना है और 1 स्पून हमको नून में ले लेना है, और अगर हम लूक वार्म वाटर में मिक्स करके लेंगे तो और भी अच्छा होगा, और भी अच्छे रिजल्ट हमको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वीट ग्रास पाउडर, इसके सेवन से अकेले हम अपनी हेल्थ को कंप्लीट तरीके से 360 वे में अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और आगे फ्यूचर में होने वाली बीमारियों की संभावना को भी पूरी तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट हो जाता है अगर हम हेल्थ की बात करें तो। आई होप कि हमने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वीट ग्रास से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझा पाए हों, और अगर आप समझे होंगे तो आप इसको यूज़ करना भी शुरू करेंगे। एंड आई एम श्योर कि अगर आप वीट ग्रास पाउडर को यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप अपनी हेल्थ में बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट्स लेंगे और अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। इसी के साथ इस प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन में आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम इसी तरह के किसी और प्रोडक्ट के साथ आएंगे, जो कि आपके लाइफ में, आपके घर में, आपकी हेल्थ में कुछ और वैल्यू एडिशन करे। थैंक यू सो मच।